हेलो वीवर्स, मैं निशी कौशिक, HOD टेक्सटाइल, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीकानेर। गर्ल्स, जैसा कि आपको पता ही है, कल अपन ने ट्विल वीव एंड्स डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें जो है अपन लोगों ने सबसे पहले तो ट्विल वीव क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये पढ़े थे। उसके बाद अपन ने जो है बेसिक वीव, जो सेकंड बेसिक वीव ट्विल वीव है, उसके डेरिवेटिव्स कर रहे थे। फर्स्ट अपन ने किया था पॉइंटेड, वेव्ड एंड जिग जैग। जो तीनों ही ये वीव्स थी, ये अपने रिवर्सिंग मेथड पे आधारित थी। आज गर्ल्स, अपन इसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे हेरिंगबोन ट्विल। हेरिंगबोन जो ट्विल है, ये अपनी एक तरीके से जितने सबसे पहले इसमें अपन क्या बनाएंगे गर्ल्स, बेसिक वीव्स बनाएंगे। और इस वीव को बनाने के लिए अपन को हरदम जितने भी एंड्स हैं तो उसके दुगने एंड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ट्विल वीव जो है एक तो बैलेंस्ड है, जैसे 2x2, 3x3, 4x4। इसके अलावा जैसे जो और भी वीव्स हैं अनबैलेंस्ड हैं, जैसे कि 2x1, 1x2, 3x2, 4x3 या 5x3, इस तरह से। तो जो भी अपनी बैलेंस्ड ट्विल हैं गर्ल्स, तो उसके लिए अपन जो है उसके ऊपर जो है सेम ही अपन जो ड्राफ्ट है वो बनाते हैं। तो उसका जो डिज़ाइन के ऊपर अपन ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको हेरिंगबोन ड्राफ्ट कहा जाता है। इस वीव की विशेषता है गर्ल्स कि इसके अंदर जो है एक ब्रेक आता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज अपन ने बना ली 2x2 की जो है पहले बेसिक ट्विल, बेसिक ट्विल को जैसे 2x2 की अपनी बनी 4 एंड 4 पिक्स पे, तो इसके दुगने एंड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसको अपन कैसे बनाएंगे गर्ल्स, जो 4 एंड है अपना उससे अपन एकदम अपोजिट चलेंगे। जैसे कि जहाँ पर अपने इंटरलेसमेंट पॉइंट है, यानी कि एंड्स जो हैं वो अप हैं, उसकी जगह अपन जहाँ पर पिक जो खाली अपने स्क्वायर हैं और पिक ऊपर हैं, यानी कि वार्प थ्रेड उससे नीचे की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर इंटरलेसमेंट पॉइंट लगाएंगे। यानी कि इसमें ब्रेक आते हैं और वार्प फ्लोट्स जो होते हैं वो जो सेकेंड अपन डबल नंबर्स पे वीव बना रहे हैं उसके एकदम उल्टे हो जाते हैं, समझ गए। तो अब इसमें क्या है गर्ल्स कि इसके अंदर जो ये ब्रेक या कट आते हैं उसको जो अपन दुगने एंड से करते हैं, उसमें जो लंबे फ्लोट्स आ रहे हैं उनसे इनको आने से ये कट या ब्रेक जो है वो बचाते हैं, जिससे कि जो कपड़ा है हमारा ये लॉन्ग फ्लोट्स होने से, आपको पता है इस लॉन्ग फ्लोट्स होने से कपड़े के अंदर एक डिसएडवांटेज हो जाती है कि वो जो धागे हैं यदि अपन उनको पहनते हैं तो कहीं भी यदि किसी कील या नुकीली चीज में होते हैं तो फंस जाते हैं और वो टूट जाते हैं, जिससे कि अपने जो कपड़े हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। तो हेरिंगबोन जो है वो अपनी नेक्स्ट जो ट्विल वीव है उसका एक डेरिवेटिव्स है। आप लोग जानते ही हैं कि डेरिवेटिव्स जो हैं ये वो कहलाते हैं जो उसी के सिद्धांत के ऊपर, यानी कि अपन ट्विल वीव का सिद्धांत है गर्ल्स, वन आउटवर्ड एंड वन अपवर्ड, ठीक है। साथ ही डायगनल लाइन्स आती हुई कपड़े पे नजर आती हैं। तो ये दोनों ही जो हैं ये अपनी जितनी भी वीव्स अपन ट्विल वीव से संबंधित बनाएंगे उनमें सिद्धांत यही रहेगा, ठीक है ना। एक तो कपड़े के ऊपर डायगनल लाइन्स आती नजर आएंगी, है ना, किसी भी उसमें या तो कट होएगा उसमें कहीं ना कहीं, या उसको अपन किसी दूसरे मेथड से भी बनाएंगे लेकिन वन आउटवर्ड एंड वन अपवर्ड का जो अपना सिद्धांत है वो बना रहेगा। तो जो डेरिवेटिव्स वो हैं जो उसी सिद्धांत के ऊपर वीव्स बनाई जाती हैं उनको अपन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि गर्ल्स प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स है, जैसे वन अप वन डाउन है तो उसके डेरिवेटिव्स हैं वार्प रिब, वेफ्ट रिब, हॉपसेक, है ना। और जो ट्विल वीव हैं उसके मैंने आप लोगों को कल जैसे बताया था पॉइंटेड, वेव्ड, जिग जैक, हेरिंगबोन, ब्रोकन, ट्रांसपोस्ट एंड एलोंगेटेड। तो गर्ल्स इन सिद्धांत के ऊपर जो भी वीव्स बन रही है ट्विल के ऊपर वो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्विल कहलाते हैं। तो अपनी ये हेरिंगबोन ट्विल जो है वो स्लाइड है, इसमें अपन ने जो है 3x3 की हेरिंगबोन ट्विल को दर्शा रखा है। जैसे कि फर्स्ट 1 2 6
ठीक है ना गर्ल्स। तो उसमें अपन ने पहले बेसिक ट्विल बना ली है फ्रैक्शन नंबर पे, जैसे मैंने कल बताया था बनाई थी अपन ने 3x3 की। टोटल एक जो वीव है बेसिक ट्विल वो बनेगी 6 एंड 6 पिक्स पर। अब अपन ने इसको देखिएगा ध्यान से गर्ल्स कि जहाँ पर अपने पहले वाले उसमें जैसे 6 नंबर पे जो है अपने वेफ्ट जो थे स्क्वायर खाली थे वहाँ पर उनको अपन भरेंगे, ठीक है ना। और जो भरे हुए थे यानी कि फिल थे इंटरलेसमेंट पॉइंट से उनको खाली रखेंगे, यानी कि एकदम उल्टा हो गया कि यानी कि रिवर्स हो गई अपनी बात कि जहाँ पर अपने एंड्स हैं वहाँ पर पिक्स आ जाएंगे और जहाँ पर पिक्स थे वहाँ पर अपने एंड्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अपन इसको अब जहाँ जहाँ पर हैं इस टाइप से अपन ने इसे दुगने एंड्स पे बना लिया, 6 के दुगने एंड्स क्या हो गए गर्ल्स 12। इसमें जो है अपन ने 3-2-1 इसलिए दिखा रखा है गर्ल्स ड्राफ्टिंग ऑर्डर के कारण। वैसे जो है हेरिंग बोन की एक रिपीट जो है वो अपनी 12 एंड्स एंड 6 पिक्स पर कंप्लीट होगी, समझ गए। लेकिन 3-2-1 आपके लोगों के सहूलियत के लिए कर रखा है कि आपको ये पता हो जाए कि अब जैसे कि जो 7th एंड है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, 3 की तरह। देखिए कैसे 2 डाउन 3 अप 1 डाउन, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना जो है जो 8th एंड है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, 2 की तरह, यानी कि 1 डाउन 3 अप 2 डाउन। नेक्स्ट वाला जो है यानी कि 9th एंड वो अपना कार्य कर रहा है 1st की तरह, 3 अप 3 डाउन। तो अपन ने जो जो एंड जिस हिसाब से कार्य कर रहा है उसको अपन ने उसी हील्ड की मेलाई के अंदर डाला है, इसलिए ये 3-2-1 जो है ये ड्राफ्टिंग को सही तरीके से दर्शाने के लिए किया गया है। यदि आप इसको समझ गए तो आप यहाँ पर जो है एग्जाम में 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक लिखोगे। ऐसे ही जो 6th एंड है गर्ल्स वो अपना कार्य कर रहा है यानी कि 2 अप 3 डाउन 1 अप, तो ये 6 की तरह कार्य कर रहा है इसलिए अपन इसको 6 हील्ड में डालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला अपना जो है 5 यानी कि 1 अप 3 डाउन 2 अप, ये कार्य कर रहा है 2 की तरह, तो इसलिए अपन इसको जो है यानी कि कौन सा 11th एंड को 2nd हील्ड की मेलाई में डालें, 5th एंड की मेलाई में डालेंगे। नेक्स्ट 4th है, ठीक है ना। 4th यानी कि ये हील्ड को बता रहा है गर्ल्स, तो 4th एंड अपना किसकी तरह कार्य कर रहा है, 3 डाउन और 3 अप, यानी कि ये 4th एंड जो है उसकी तरह कार्य कर रहा है, तो इसको अपन 4th जो हील्ड है उसकी मेलाई में डालेंगे। अपने जैसे जो ड्राफ्ट है गर्ल्स वो हरदम जो है एंड्स को और हील की मेलाई में जो अपन वार थ्रेड्स डाल रहे हैं उसको दर्शाता है। तो 6 हील्ड्स में अपना एक जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है हेरिंग बोन ट्विल का, तो इसको हेरिंग बोन ड्राफ्ट बोलेंगे जो अपन ने ऊपर बनाया है गर्ल्स यानी कि क्यू में। अब इसको जब हमने 6 हील्ड्स लिए हैं गर्ल्स तो हमें ट्रेडल्स भी कितने चाहिए, 6 चाहिए। और ये जो लाइन अपन दिखा रहे हैं ये बता रही है कि फर्स्ट ट्रेडल को अपन ने जो है फर्स्ट हील्ड से, सेकंड जो ट्रेडल है उसको सेकंड हील्ड से, थर्ड जो ट्रेडल है उसको थर्ड हील्ड से, इसी तरह 4th, 5th, 6th को उन्हीं हील्ड से जॉइंट कर दिया यानी कि 4, 5, 6 से ही। तो इस तरीके से जब अपन कपड़े को हेरिंग बोन से जो डिज़ाइन है उसमें अपन को ये देख लीजिए कट आता हुआ नजर आएगा यानी कि ब्रेक, और यही जो ब्रेक है अपने किसी भी फोल्ड्स को है ना लॉन्ग फ्लोट्स को आने से बचाता है। तो ये एक इस वीव की जो है मेन खासियत है कि इसमें कट एंड ब्रेक्स दोनों ही आते हैं गर्ल्स। नेक्स्ट अपनी आ जाए ब्रोकन ट्विल जो है गर्ल्स, ये 2 तरीके से बनाई जाती है। इसमें भी कट आते हैं गर्ल्स है ना या ब्रेक आएंगे, लेकिन अपन इसमें जो ब्रेक हैं गर्ल्स वो पहले रेगुलर क्रम में चलेंगे जैसी भी अपनी बेसिक ट्विल बनी है, और फिर उसके बाद उसको अपोजिट करेंगे यानी कि आधे आधे से करेंगे। जैसे कि मैंने इस निम्न चित्र में आपको बता रखा है कि जो है 2x2 की बेसिक ट्विल बना रखी है अपन ने, डिज़ाइन ए बना रखा है, ये बेसिक ट्विल का है 2x2 का। इसमें आप देख लीजिए गर्ल्स, अब अपन को जब इसी बेसिक ट्विल को जब अपन को ब्रोकन ट्विल में बनाना है, ब्रोकन ट्विल जो है वो 2 तरीके से होती हैं गर्ल्स। फर्स्ट है ब्रेकिंग एंड रिवर्सिंग मेथड एंड सेकंड है एंटर एंड स्किपिंग मेथड। तो फर्स्ट जो है ये अपनी ब्रेकिंग एंड रिवर्सिंग मेथड है,
इसमें देखिए गर्ल्स, अब अपन को ये जो अपन ने 2x2 की बेसिक ट्विल बनाई है चित्र ए में, अब अपन चित्र बी में जो है क्या बना रहे हैं, ब्रोकन ट्विल बना रहे हैं और उसी के ऊपर उसका अपन ड्राफ्ट बनाएंगे और राइट हैंड साइड में पैक प्लान बनाएंगे। तो देखिए गर्ल्स, फर्स्ट में अपन रेगुलर यानी कि ड्राफ्टिंग ऑर्डर मैंने ऊपर ही ऊपर लिख रखा है गर्ल्स, 1, 2, 4, 3, यानी कि अपन किसको हाफ में करना है, 2 के पेयर में डिवाइड करना है। 1, 2 अपन रेगुलर चलेंगे एंड 4, 3 रिवर्सिंग चलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो बेसिक है इसमें 3/4 है, तो अपन पहले 4th लेंगे और फिर 3 लेंगे, समझ गए ना। तो अब ये क्या है, ब्रेक हो गया है या कट हो गया है इसमें वीव्स को। इस तरह के जो ये डिजाइंस हैं ये अपने बहुतायत से जो जेंट्स वेयर के कपड़े होते हैं उनमें जो है अपन को देखने में आते हैं। तो गर्ल्स अब इसमें देखिए जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड है उसको बेसिक जो अपने ड्राफ्ट में डाल रहे हैं, फर्स्ट एंड फर्स्ट हील में, सेकंड एंड सेकंड हील में, फोर्थ एंड जो है वो यानी कि फोर्थ एंड जो है वो वैसे 3 है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन ने फोर्थ एंड किसकी तरह कर रहा है, फोर्थ का, तो इसलिए इसको फोर्थ जो है अपना थर्ड जो एंड है उसको अपन फोर्थ हील में डालेंगे, क्योंकि ये कार्य किसकी तरह कर रहा है, बेसिक ट्विल में जो फोर्थ नंबर है उसकी तरह कार्य कर रहा है, और जो थर्ड फोर्थ एंड है वो कार्य कर रहा है 3 की तरह, 2 down 2 up, तो ये थर्ड जो है थर्ड बेसिक ट्विल की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको थर्ड हील्ड में डालेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बता ही रखा था गर्ल्स जब ड्राफ्ट पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना, वो हील्ड्स को शो कर रहे हैं और जो लेंथवाइज आ रहे हैं वो एंड्स को बता रहे हैं, और ड्राफ्ट हरदम एंड्स और हील्ड्स के ऊपर ही बनाया जा रहा है गर्ल्स। अब जो है जो राइट हैंड साइड है उसमें आप जानते ही अपन हरदम पैक प्लान बनाते हैं, और पैक प्लान जो है वो हमें ये बताता है कि हमको जो ट्रेडल्स हैं उसको किस हील्ड से ज्वाइंट करने हैं। तो गर्ल्स हरदम फर्स्ट हील्ड जो है वो फर्स्ट ट्रेडल से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से एंड फोर्थ फोर्थ से होगी। तो इस तरीके से हमें जो हमने सी दिखा रखा है वो पैक प्लान है, और ये एक तरीके से बेसिक ट्विल की तरह ही बन गया है, जो आप देख लीजिए ए डिज़ाइन की तरह। और इसमें हरदम ये जो ब्रेक है ये हरदम अपन कुछ पहले से निश्चय करी गई इंटरवल्स के आधार पर ही बनाते हैं, लेकिन अपन जानते ही हैं कि टॉप टू बॉटम एंड साइड बाई साइड जो है वो हरदम अपनी रिपीट सही बैठनी चाहिए गर्ल्स, जैसे कि 1, 2 रेगुलर है, 4, 3 रिवर्सिंग है, ठीक है, तो वापस से रेगुलर आ जाएगा 1, 2, है ना, तो यानी कि रेगुलर फिर रिवर्सिंग, फिर यदि और कोई बड़ी भी होती अपनी, जैसे सपोज अपन बना रहे हैं 4x4 पे और 2 का पेयर ही बना रहे हैं, तो उसका कैसे होता, 1, 2 पहले फिर 4, 3, क्योंकि रिवर्सिंग हो गया, अब अपना रेगुलर रहता कौन सा 5, 6 रेगुलर, फिर रिवर्सिंग क्या हो जाता अपना 8, 7, 4x4 की 8 and 8 वीक्स पे बनती, तो इस तरीके से उसका जो ड्राफ्टिंग ऑर्डर भी है और अपनी जो डिजाइन हैं वो उसी तरह से बनते गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स, अब अपन नेक्स्ट वे आ रहे हैं, फर्स्ट मेरे को लगता है आप लोगों को ब्रोकन ट्विल का फर्स्ट मेथड जो ब्रेकिंग एंड रिवर्सिंग मेथड है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है गर्ल्स तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप, और मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंडर एंड स्किपिंग मेथड सेकंड मेथड है गर्ल्स, इसमें भी मैंने आपको इजी के लिए गर्ल्स ब्रोकन ट्विल में 2x2 का बता रखा है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि अपन ने इसमें 2x2 की जो बेसिक ट्विल है उसको दर्शाया है। अब अपन को एंटर एंड स्किपिंग मेथड से बनाएंगे गर्ल्स, तो इसमें सबसे पहले एक सिद्धांत का ध्यान रख लीजिए गर्ल्स कि जैसे जो भी अपनी 2x2, 3x3 and 4x4 या अन ईवन नंबर्स की भी, जैसे 3x2 है, 1x2 है या 4x3 है, जितनी की भी वीव्स हैं उसको अपन पहले आधा कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि 2x2 की अपन ने इसको आधा किया तो कितना रहा 2, तो 2 को अपन एंटर करेंगे, ठीक है, फिर उसमें से माइनस 1 कर देंगे, जितना भी बचेगा, 2 अपन ने एंटर किया, 2 एंटर में से माइनस 1 कर दिया तो 1 बचा, तो 1 को अपन स्किप करेंगे गर्ल्स, स्किप यानी कि उस नंबर को हटा ही देंगे। जैसे कि मैंने ऊपर ड्राफ्टिंग ऑर्डर में देखो गर्ल्स शो कर रखा है 1, 2 रेगुलर हो गया,
है ना, यानी कि एंटर करेंगे अपन जो भी अपन स्क्वायर पेपर पर डिजाइन बना रहे हैं उसमें एंटर करेंगे, वैसा का वैसा बनाएंगे जैसे कि अपना बेसिक ट्विल में है। थ्री को स्किप कर देंगे, यानी कि एकदम से अपन थ्री को छोड़ देंगे बनाने को, बिल्कुल नहीं ड्रॉ करेंगे, समझ गए। अब वापस से अपन एंटर करेंगे और ये तब तक करते जाएंगे अपना जब तक वन टू रेगुलर नहीं आ जाता। अपन ने थ्री को स्किप कर दिया गर्ल्स, तो अपने पास बचा फोर वन, ठीक है, टू एंटर हो गए। अब टू को फिर स्किप करेंगे यानी कि बिल्कुल हटा दोगे आप लोग। फिर उसके बाद अपन एंटर करेंगे थ्री जो है थ्री फोर, ठीक है गर्ल्स। और फिर उसके बाद थ्री फोर अपन ने लिया, वन को क्या करोगे गर्ल्स, स्किप करोगे यानी कि पूरा हटा देना है, वन को एंटर कर दोगे वापस से, यानी कि ग्राफ पेपर पे बनाओगे टू और थ्री जैसा ही भी बेसिक ट्विल में अप एंड डाउन वार्प एंड वेफ्ट है उसके हिसाब से, तो टू एंड थ्री एंटर करोगे। तो सेवन और एट जो अपन ने इस डिजाइन के अंदर ए में आ रहा है, सेवन और एट नंबर वो सेकेंड एंड थर्ड की तरह। अरे अब अपने क्या स्किप करोगे गर्ल्स, फोर, फोर स्किप किया यानी कि एकदम हटा दिया उसको अपन ने, तो वापस से क्या आ गया वन टू, यानी कि अपन ने जो टू बाई टू की ट्विल एंटर एंड स्किपिंग मेथड से बनाई तो उसका जो अपना ड्राफ्टिंग ऑर्डर है वो रहा टू एंटर एंड वन स्किप। उसके हिसाब से ही अपन ने गर्ल्स देखो जो है ऊपर क्या बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है। तो ड्राफ्ट में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस हैं वो अपने ड्राफ्ट को शो करें, जिसको अपन सर्किल में बताते हैं हरदम कि हमारा ये एंड इस हील्ड की मेलाई में डाला जा रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड बराबर से बिल्कुल बेसिक ट्विल की तरह फर्स्ट और सेकेंड में डाल दिया। नेक्स्ट जो थर्ड है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, फोर की तरह, तो थर्ड को जो है फोर्थ हील्ड में डालेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है अपना, फर्स्ट की तरह, तो फर्स्ट में डालेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वाला थर्ड की तरह कर रहा है एंड, तो फिफ्थ को थर्ड हील्ड की मेलाई में। नेक्स्ट सिक्स्थ डाला है अपन ने, फोर्थ की तरह कार्य कर रहा है इसलिए इसको फोर्थ हील्ड में। नेक्स्ट जो सेवन्थ वाला है गर्ल्स वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, सेकंड की तरह, तो उसको सेकंड हील्ड की मेलाई में। नेक्स्ट एट वाला किसकी तरह कार्य कर रहा है, थर्ड बेसिक ट्विल में जो थर्ड एंड है उसकी तरह, तो इसको थर्ड हील्ड की मेलाई में डाला है। अब इसी तरह से अपन ने राइट हैंड साइड में गर्ल्स पैक प्लान बना दिया है जो एकदम बेसिक ट्विल यानी टू बाई टू की तरह ही दिखाई देगा, समझ गए गर्ल्स। तो ये अपना था एंटर एंड स्किपिंग मेथड गर्ल्स। इसमें यदि अपन को फर्स्ट टाइम में ही ये देखना है कि अपन को एक जो इसकी रिपीट बनाएंगे ब्रोकन ट्विल के एंटर एंड स्किपिंग मेथड से, तो उसके लिए भी अपना एक फार्मूला आप लोग जो है काम में ले सकते हो कि जैसे सपोज कि एक रिपीट में टोटल कुल धागों की संख्या कितनी होगी ब्रोकन ट्विल में एंटर एंड स्किपिंग से बनाते हैं, तो इजिकल टू करके आप लोग लिखिए कि टोटल जो एंड्स हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे अपन टू बाई टू की बना रहे हैं तो फोर एंड्स हैं टोटल, तो फोर मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि जो अपने वार्प धागे भर गए हैं यानी कि इंटरलेसमेंट पॉइंट कितने में है, दो में, और नीचे की जो चाल है यानी कि आउटवर्ड एंड अपवर्ड की चाल एक ही होती है, तो नीचे वन लिखोगे तो इसकी चार, फोर मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन वन, तो इसका चार दुनी आठ, तो एट एंड्स पे अपनी एक जो टू बाई टू की बेसिक ट्विल की एंटर एंड स्किपिंग मेथड से अपनी डिजाइन बन जाती है, समझ गए। जैसे सपोज अब आप लोग बनाते थ्री बाई थ्री की, अपन को ये पता करना होता है कि इसमें ये हमारी एक रिपीट कितने एंड्स पर कंप्लीट हो जाएगी, तो अपन कैसे लिखोगे इसको कि हैरी ब्रोकन ट्विल जो हम एंटर एंड स्किपिंग मेथड से बना रहे हैं उसमें एक रिपीट में कुल धागों की संख्या इज इक्वल टू कुल धागों की संख्या, यानी कि कुल एंड्स की संख्या कितनी है, छः हो गई थ्री बाई थ्री में, मल्टीप्लाई बाय एंटर करने वाले धागों की संख्या या इंटरलेसमेंट पॉइंट कितने हैं एक रो में, थ्री होंगे तो थ्री लिख दोगे, अपॉन वन, हरदम नीचे की चाल आउटवर्ड की चाल वन ही होती है गर्ल्स, तो नीचे वन लिखोगे। तो अब अपन सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री तो कितने हो गए इज इक्वल टू 18, तो जो थ्री बाई थ्री की यदि अपन ट्विल के ऊपर एंटर एंड स्किपिंग मेथड से उसकी एक पूरी रिपीट बनाएंगे या डिजाइन बनाएंगे
तो वो कितने पे बनेगी, 18 एंड्स पर। तो ये अपन जो है गर्ल्स, इसके बारे में जो है थोड़ा सा एक ये है कि अपन पहले से देख के और फिर पूरे उसने स्क्वायर आप ले सकते हो, समझ गए गर्ल्स। कहीं भी इसमें प्रॉब्लम है गर्ल्स तो वो आप ज़रूर से मुझसे बात करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक गर्ल्स इसमें एक बात और है एंटर एंड स्किपिंग मेथड में, कि यदि अपन को सपोज 3/2 की बनानी है तो ये तो अपनी अनबैलेंस्ड ट्विल बनी, तो 3 और 2 5 इसका आप आधा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 3/2 के लिए अपन देखो 3 2 5 हुए, तो अपन या तो उसका जो है 2 ही ले लो, ठीक है, 2 एंटर एंड 1 स्किप। लेकिन उसको तब तक स्किप करते चलोगे जब तक कि 1 और 2 नहीं आ जाता, ठीक है गर्ल्स। तो आज मैं आप लोगों को दो, मैंने आप लोगों को बेसिक ट्विल भी बताई हैं। फर्स्ट जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें फर्स्ट मैंने बताई है हैरिंगबोन ट्विल और दूसरी है ब्रोकन ट्विल। नेक्स्ट जो अपना थर्ड होगा गर्ल्स पार्ट, उसके अंदर मैं आप लोगों को ट्रांसपोज्ड एंड एलोंगेटेड ट्विल के बारे में बताऊंगी। तो गर्ल्स आप लोग रेगुलर पढ़िएगा और अपने जो है इसको ग्राफ पेपर पे बार बार प्रैक्टिस करिए गर्ल्स, क्योंकि इसमें डिजाइन ड्राफ्ट एंड पैक प्लान पर या ट्विल वी के पूरा एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का भी आ जाता है और डिजाइन ड्राफ्ट एंड पैक प्लान में कम से कम 8 नंबर्स का क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए। तो गर्ल्स ओके एंड थैंक यू।